बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अंचल कौशिक, ट्रेस द कर्व बाय स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू एक्स माइनस वन। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी सिमेट्री देखेंगे। चाहे इसको हम पॉइंट वाइज भी डाल दें, तो पॉइंट नंबर वन इस पर सिमेट्री देखेंगे। कर्व देखेंगे कि वाई में इवन पावर है, टू पावर है, तो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा कर्व। लिख देंगे द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि ये वाई में इवन पावर थी, जबकि हम देख रहे हैं कि एक्स में इवन पावर नहीं है। एक्स में इवन पावर भी है, साथ में ऑड भी है। पूरे इक्वेशन में इवन पावर होती है एक्स में, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, मींस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, ओनली एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। पहला पॉइंट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि ये कर्व क्या ओरिजिन से पास होता है। देखने इसमें कॉन्स्टेंट टर्म भी एग्जिस्ट कर रहा है इसके इक्वेशन में। ये तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वेरिएबल है, लेकिन ये वन कांस्टेंट है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कर्व ओरिजिन से पास नहीं होगा। इट डज नॉट मींस कर्व पास नहीं हो रहा है, डज नॉट पास थ्रू दी ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा कर्व। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट करता है। जैसे अगर हमें पता लगाना है कि एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट करता है, तो हम लोग जानते हैं एक्सिस पर वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। जब यहाँ पर हम ज़ीरो पुट करेंगे इक्वेशन में, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और टू एक्स माइनस वन बराबर ज़ीरो, यानी टू एक्स माइनस वन बराबर ज़ीरो होकर यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू। तो लिख देंगे कि ये कहाँ पर मीट करता है। इट मीडियन मीन्स कर मीट करता है, मीट्स एक्स एक्सिस एट इन एक्स की वैल्यू वन बाई टू और वाई की वैल्यू ज़ीरो, इस पॉइंट पर मीट करता है। और वाई एक्सिस पे कहाँ पर मीट करता है, ये भी हमको यहाँ पर लिख देंगे। एंड वाई एक्सिस पर मीट करता है, ये वाई एक्सिस पे कहाँ पर मीट करता है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे कि जब हम x बराबर ज़ीरो पुट करेंगे, जब x बराबर ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ पर, तो x बराबर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा यहाँ पर, और x बराबर ज़ीरो रखने पर माइनस वन आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, वाई स्क्वायर की वैल्यू वन, और यहाँ से हमें दो पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि y की स्क्वायर से हम जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस वन। मीन्स x की वैल्यू जब हमने ज़ीरो रखी है, तो y की वैल्यू मिली है प्लस का वन, और y की वैल्यू मिली है माइनस वन। इस तरीके से दो पॉइंट पर वाई एक्सिस पर ये कर्व कट कर रहा है। इस तरीके से हमने ये पता लगा लिया। अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम यहाँ से देख लेते हैं कि इसके एसिम्प्टोट्स कितने हैं। तो यहाँ पर एसिम्प्टोट्स मालूम अगर करना हो, जैसे कि पैलर एसिम्प्टोट्स अगर हमें मालूम करना है, तो पैलर के लिए देखेंगे, यानी मीन्स एक्सिस के पैलर और वाई एक्सिस के पैलर। जो कर्व का इक्वेशन दे रखा है, उसमें वाई की जो सबसे बड़ी पावर है, उसको जब हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, तो ये वाई एक्सिस के पैलर एसिम्प्टोट्स मालूम हो जाएगा। तो एसिम्प्टोट्स पैलर टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैलर है, तो वाई स्क्वायर वाई की सबसे बड़ी पावर टू है, तो उसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको जब ज़ीरो के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से इसके फैक्टर कर सकते हैं, वन का स्क्वायर करेंगे, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर ज़ीरो हो जाएगा वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, और इसमें हम वन का स्क्वायर कर सकते हैं। एक ब्रैकेट में ऐड हो गया, दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो गया, बराबर ज़ीरो। ये ज़ीरो रखेंगे, ये ज़ीरो रखेंगे, तो एक्स प्लस वन बराबर ज़ीरो और एक्स माइनस वन बराबर ज़ीरो। ये दो लाइन आएंगी, एक्स इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू प्लस वन। ये दो एसिम्प्टोट्स आ गए जो वाई एक्सिस के पैलर होंगे। इसको हम यहाँ पर रफली प्लॉट फिलहाल थोड़ा सा कर देते हैं, ट्रेस करना हमको कर्व को। ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये ओरिजिन जहाँ पर वाई एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस को एक्सिस को कट करता है,
और ये डिस्टेंस अगर हम माइनस वन ले लें, यानी ये डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगी तो माइनस वन होगी, तो ये वाली लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी यही लाइन कहलाएगी एक्स इक्वल टू माइनस वन, जो इस कर्व का एसिम्प्टोट है। और दूसरा एक्स इक्वल टू प्लस वन भी है, तो इतनी ही डिस्टेंस राइट हैंड साइड में प्लस का वन हो जाएगी, तो ये वाली जो लाइन वाई एक्सिस की जो पैरेलल होगी ये भी एक एसिम्प्टोट होगी, एक्स इक्वल टू प्लस वन एसिम्प्टोट्स होगी। इसी तरीके से एक्स इक्वल टू माइनस वन, दो एसिम्प्टोट्स ये यहाँ से पता चल गए। और देखने एक्स की जो सबसे बड़ी पावर हमें दिख रही वो एक्स स्क्वायर है, जिसका कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर है, तो सबसे बड़ी पावर के कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के सबसे बड़ी पावर का, यानी एक्स के जो सबसे बड़ी पावर है वो एक्स स्क्वायर है, उसके कोएफिशिएंट को जब जीरो रखेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट आ जाएगा। तो लिख देंगे एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एसिम्प्टोट्स के बारे में हमें पता भी होगा, तो पहले हम निकाल देते हैं, तो ये वाई इजिकल टू यानी ज़ीरो आ रहा है, तो वाई इजिकल टू ज़ीरो मीन्स एक्स एक्सिस ये यहाँ पर y इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज इक्वल टू ज़ीरो यानी x एक्सिस भी एसिम्प्टोट्स है। एसिम्प्टोट्स वो लाइन होती है, यानी वो टेंजेंट लाइन होती है कर्व के लिए, जो होती तो फाइनाइट डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, लेकिन ये कर्व को इनफाइनाइट पे कट करती है, यानी कर्व इसके साथ साथ चले जाते हैं इनफाइनाइट तक। तो अभी हम लोग कर्व को जो ट्रेस करेंगे उससे थोड़ा सा पता हो जाएगा। अब हम ये भी पता करेंगे कि किस रीज़न में हमारा कर्व लाई करता है, कहाँ पर लाई नहीं करता है, ये भी देखने हैं। ये लाइन भी हमें पता होगी एक्सिस भी एसिम्प्टोट्स है, और ये दोनों लाइन भी एसिम्प्टोट्स हैं, कर्व इनके साथ भी जाएगा। अब किस तरफ जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है, उन्हीं उसी आइडिया को लेने के लिए हम अगला पॉइंट यानी फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तीन एसिम्प्टोट्स बता दिए, और देखिए यहाँ पर चार पावर है, तो तीन एसिम्प्टोट्स हो गए हैं, नहीं देखिए दो एसिम्प्टोट्स तो ये हो गए थे, और क्योंकि दो पावर है यहाँ पर, यहाँ से दो एसिम्प्टोट्स मिलेंगे, यानी वाई स्क्वायर से दो उसकी वैल्यू मिलेंगी वो ज़ीरो ज़ीरो, लेकिन वो दोनों ए वैल्यू एक ही हैं, तो इस तरीके से चारों एसिम्प्टोट्स हमारे पास हैं, और चार से ज़्यादा हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स की सबसे मतलब जो सबसे बड़ी डिग्री होगी, दो इसकी चार पावर होगी, तो चार ही एसिम्प्टोट हो सकते, तो चारों को चार हो गए, यानी यही चार एसिम्प्टोट्स, और इनमें से ये दो एक ही हो जाएंगे, इसलिए तीन एसिम्प्टोट्स ही होंगे, ओनली थ्री एसिम्प्टोट्स जो हमने यहाँ बता दिए वही होंगे। अब अगला पॉइंट यहाँ पर पाँचवा, जिस प्लॉट कर मतलब इसके ट्रेस करने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो इस कर्व में वाई की वैल्यू निकालने, क्योंकि यहाँ पर जैसे का इक्वेशन दे रखा, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे, इस टर्म को लेफ्ट से राइट में पहुँचाएंगे तो वही अपान में पहुँच जाएगा, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2x माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गई वाई स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ से देखेंगे कर्व कहाँ पर लाई कर सकता है, किस किस रीज़न में लाई कर सकता है, तो सबसे पहले तो देखें कि x की वैल्यू जो है वो माइनस वन के लिए देखें कि x की वैल्यू माइनस वन से छोटी क्या हो सकती है, इसी तरीके से देखेंगे साथ साथ x की वैल्यू क्या वन बाई टू यानी यहाँ से वैल्यू वन बाई टू निकल रही है हमारी, और वन एसिम्प्टोट है वो आपको पता ही है, और माइनस वन भी एसिम्प्टोट्स है, तो इनमें देखेंगे, और हमने यानी देख ही लिया है, तो आप भी देख लीजिए ये वाला वाई की वैल्यू अगर यहाँ से रखें, मींस माइनस वन से छोटे का मतलब यह है, जैसे कि माइनस टू, अगर माइनस टू यहाँ पर रखते हैं तो माइनस यहाँ पर टू रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा, यानी ये डिनोमिनेटर प्लस है, लेकिन यहाँ पर माइनस टू रखेंगे तो ये भी माइनस टू, कुल मिला के माइनस, और जब हम यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, और यानी वाई इमेजिनरी आ जाएगा, मीन्स एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी जैसे कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसके लिए कर्व का कोई भी पोर्शन यहाँ पर मौजूद नहीं होगा, यानी एक्स इक्वल टू माइनस वन जो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की थी, तो इस तरफ कर्व का कोई भी पोर्शन यहाँ पर नहीं बनेगा, तो इमेजिनरी होने की वजह से वाई की वैल्यू इमेजिनरी, यहाँ कर्व नहीं बनेगा। और हमने एक चीज़ और लिखी थी कि एक्स की वैल्यू अगर वन बाई टू से तो बड़ी है, वन से छोटी है, तो इसके बीच में भी कर्व इमेजिनरी होगा, हम अपनी वैल्यू कोई भी रख के यहाँ पर देख सकते हैं, वन बाई टू से जो बड़ी हो और वन से छोटी वैल्यू है, यानी थ्री बाई फोर रख के देख सकते हैं, थ्री बाई फोर रख के यहाँ पर देखेंगे, तो थ्री बाई फोर रख के देखेंगे सॉल्व करके,
एक पर्टिकुलर वैल्यू रख के हम यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं। 2 × 3/4 हमने रखने को बोला था, तो 3/4 का स्क्वायर 9/16 हो जाएगा माइनस का 1। तो देखने कि डिनोमिनेटर में निगेटिव आ रहा है और यहाँ पर जो है न्यूमरेटर में पॉजिटिव आ रहा है, तो ऊपर पॉजिटिव हो जाए नीचे निगेटिव हो जाए, तो कुल मिला के निगेटिव अंडर रूट के अंदर जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो ना सिर्फ ये एक पर्टिकुलर वैल्यू 3/4 के लिए, बल्कि कोई भी वैल्यू 1/2 से ग्रेटर हो, 1 से छोटी हो, उसके लिए वाई की वैल्यू अंडर रूट के अंदर निगेटिव आएगी, यानी इमेजिनरी आएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पोर्शन जो है कर्व का x=1 और 1/2, तो 0 और 1 के बीच में यहाँ पर 1/2 होगा। तो ये वाली लाइन के बीच में, यानी x=, ये 1/2 लाइन है, तो यहाँ पर कर्व का कोई भी पोर्शन नहीं बनना है। इसी तरीके से कर्व यहाँ पर भी कर्व नहीं बनना है, कर्व यानी ये इन्हीं पोर्शन में बनेगा, वो हम देख कर देंगे। तो यहाँ पर यही दिखना था कि फॉर x<1 एंड x 1/2 की वैल्यू 1/2 x<1, वाई इज़ इमेजिनरी, वाई जो है वो इमेजिनरी है, इमेजिनरी में वाई इमेजिनरी है। तो इसमें कर्व कोई भी, इस रीज़न में कर्व का कोई भी पोर्शन नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं द कर्व लाइज इन रीज़न। तो जिस रीज़न में होगा उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो x की वैल्यू -1 से छोटे में नहीं होगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू -1 से बड़े में कर्व लाई करेगा, और 1/2 से बड़े में नहीं है, लेकिन 1/2 से छोटे में कर्व होगा। इसी तरीके से x की वैल्यू 1 से छोटी में नहीं है, कर्व लाई कर रहा है, लेकिन x की वैल्यू 1 से बड़े में बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमने रीज़न एडिट नहीं किया उसमें आप कर्व बना सकते हैं, 1/-1 से लेके 1/2 के बीच में बना सकते हैं, और 1 से ग्रेटर में कर्व को बना सकते हैं। अब हमें ये देखना होगा कर्व किस तरीके से उसके उतार चढ़ाव होंगे। और ये तो पहले ही देख लिया था कि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है, जैसे हमने देखा था शुरुआत में, लिखा था पहला पॉइंट कि एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल है, मीन्स जैसा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा वैसे ही कर्व नीचे बनेगा, जिस तरीके से ऊपर जाएगा वैसे नीचे जाएगा। किस तरीके से जाएगा वो उसको देखने के लिए, उस उतार चढ़ाव को देखने के लिए हम यहाँ से जो वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट अगले इक्वेशन में कर देंगे, अगले पॉइंट में कर देंगे। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि dy/dx से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाता है x²-1, और डिनोमिनेटर वैसा ही न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, जो कि √2x-1 है, माइनस न्यूमरेटर वैसा ही 2x-1 dy/dx डिनोमिनेटर, यानी स्क्वायर रूट x²-1 को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करें, स्क्वायर रूट स्क्वायर से ये हट जाएगा, ओनली x²-1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो ओनली इतना बचेगा, ये आपने समझ लिया था x²-1। और ये एक्चुअल में 1/√2 हटा देंगे तो पावर 1/2 होती है, आपको मालूम ही है, तो पावर आगे जाएगी, और जितनी भी 2x-1 जो है यहाँ पर उसकी पावर होगी, इसमें से एक घट जाएगा, तो पावर चूँकि 1/2 होती है, एक माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1/2 पावर आ जाएगी, और ये 2x-1 और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे सेम ऐसे ही पावर 1/2 आगे हो जाएगी, और x²-1 की पावर -1/2। और क्योंकि ये एक्स नहीं था, क्योंकि यहाँ पर भी हम यही गलती कर रहे थे, ये x नहीं था, तो इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x-1 का, तो 2 और यहाँ पर आ जाएगा इनटू में, और यहाँ पर भी जब डिफ्रेंशिएशन इस पूरे का करेंगे तो x² का 2x1 का तो 0 हो जाएगा, और यस कंप्लीट हुआ ये। अब देखें ये 2 से ये वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच रहा है कैलकुलेशन थोड़ा बहुत उसको हम लिखना है, x²-1 और √x²-1, इस पावर को प्लस करना है, तो अपान में कर देंगे, 1 अपान करके लिख देंगे √2x-1 माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा, ओनली x यहाँ पर बचता हुआ नज़र आ रहा है, 2 से 2 तो हम कैंसिल कर दिया, और √2x-1, और इस पावर को प्लस अगर करना चाहें तो अपान में लिख देंगे, वो भी 1/2 पावर है, तो 1/2 को स्क्वायर रूट में लिख देंगे x²-1, और तो 2 से 2 हमने ये कैंसिल कर दिया, तो x को शुरू में लिख दिया, अपान में ही चल रहा था। इन दोनों का फिर हम एलसीएम भी ले लेंगे,
और न्यूमरेटर को सॉल्व करें, डिनोमिनेटर जैसा ही लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस वन था वैसे ही लिख दिया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनका एलसीएम हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट टू एक्स माइनस वन और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसका इधर इंटू हो जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर ये हट जाएगा, ओनली एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा और माइनस एक्स इंटू, ऐसे इसका भी स्क्वायर हट जाएगा इधर इंटू होने पर, ओनली टू एक्स माइनस वन आ जाएगा। अब इसको नीचे ले आएँ क्योंकि ये ऊपर ये नीचे आएगा तो टू एक्स माइनस वन स्क्वायर रूट में है और एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट में है और एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन न्यूमरेटर में और इसका अंदर इंटू करेंगे माइनस का टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन कर लें, यानी ये जो था टू एक्स स्क्वायर माइनस का ये वन टाइम्स प्लस का है तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस का एक्स माइनस का वन बचा और होल अपान में यहाँ पर अपान में बचेगा स्क्वायर। ये पावर कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी पावर ये वन बाई टू है, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसकी ये वन पावर है, वन और वन बाई टू जो ऐड करेंगे तो थ्री बाई टू हो जाएगी पावर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर थ्री बाई टू और स्क्वायर रूट में ये टू एक्स माइनस वन को हमने लास्ट में लिख दिया। तो ये वैल्यू जो आई डी वाई ओवर डी एक्स, इससे थोड़ा हमें प्लॉट करने में आसानी हो जाएगी कि ये वैल्यू जो है किस तरीके से चेंज होगी, तो इसी को हमें देखना है। तो ये जो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आई इसको हम दोबारा से लिख ले रहे हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन होल अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसमें कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा एक बार, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। ओके सही है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू इसका साइन चेंज करेंगे फॉर एक्स ग्रेटर देन वन, कि एक्स की वैल्यू वन से जब ग्रेटर है तब हम देखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स का साइन कैसा होगा। तो अपनी पर्टिकुलर वैल्यू को ही ले लें, जैसे वन से बड़ा तो 1.1 भी होता है लेकिन आप टू रख लो तो टू रखेंगे फोर हो जाएगा और फोर निगेटिव आएगा, और यहाँ पर रखेंगे टू का स्क्वायर फोर तो ये तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ टू रखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल मीन्स वन से बड़ी कोई भी वैल्यू रख लें तो ये दोनों फैक्टर डिनोमिनेटर के पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में जो है वो निगेटिव आएगा, यानी ये कह सकते हैं टोटल वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये निगेटिव ये पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कुल मिला के निगेटिव वैल्यू यानी जीरो से छोटी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर डी वाई ओवर डी एक्स से जीरो से कम आ रहा है इसका मतलब जो होगा वाई होगा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, वाई इज डिक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स वन से ग्रेटर के लिए डिक्रीजिंग होगा। अब हमारा जो पोर्शन जिसमें हम इसको प्लॉट कर सकते हैं वो एक रीज़न और बचा उसमें और चेक कर लेते हैं तो हमें प्लॉट करने में आसानी होगी, यानी एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी हो और वन बाई टू से छोटी हो। इसमें अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को चेक करें कोई पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर ले जो माइनस वन से बड़ी हो, हमारे लिए आसानी रहेगा कि ज़ीरो वन बाई टू से छोटा होता है माइनस वन से बड़ा, तो जो ज़ीरो रख के देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ज़ीरो रखने पर ये वैल्यू माइनस वन आ रही है और ये ज़ीरो रखने पर ये माइनस में आ रहा है और ये ज़ीरो रखने पर अंडरूट के अंदर माइनस माइनस है क्या, यहाँ पर हम ज़ीरो रख सकते हैं तो अंडरूट के अंदर माइनस वन आ रहा है यहाँ पर, तो ये तो इमेजिनरी को शो करेगा तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। यहाँ से थ्री बाई टू वन बाई टू पावर ज़ीरो वन बाई टू और यहाँ पर भी ज़ीरो रखने, हाँ तो ये पावर दोनों मिल के फिर इमेजिनरी हटा देगा और कितनी हो जाएगी वन बाई टू इसकी पावर माइनस वन बाई टू और माइनस यहाँ से ले लेंगे तो वन बाई टू यानी माइनस वन की पावर वन बाई टू वन हो जाएगी और वन पहले से होगी तो प्लस हो जाएगा कुल मिला के माइनस माइनस टू पावर हो जाएगी, यानी थ्री बाई टू पावर और वन बाई टू पावर थ्री बाई टू और वन बाई टू जुड़ेगी तो टू आ जाएगी पावर, इवन हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा ज़ीरो रखने पर, ज़ीरो रखने पर यानी डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो रहा है और ये ज़ीरो रखने पर ये दोनों ज़ीरो से माइनस वन बचेगा यानी निगेटिव आ रहा निगेटिव आ रहा। तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू थी जो इनके बीच में हमें लेनी थी और आसानी रही हमारे लिए ज़ीरो, थोड़ी प्रॉब्लम भी हमारी होगी तो कन्फ्यूज़न हो गया था। वैसे आप एक्स की वैल्यू कोई भी इन दोनों के बीच में ले लीजिए और उससे इसके साइन को पता कर लें, कोई एक वैल्यू ले लें वो सभी के लिए ये
ट्रू होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमने ज़ीरो लिया और इसके लिए ये वैल्यू निगेटिव निकली। निगेटिव निकलने का फिर दोबारा यही मतलब निकल लेगा कि वाई इज़ डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस वन टू वन बाई टू। अब इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हुए अब जो हमने इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पर, तो कुछ पॉइंट भी ले सकते हैं और इसको ग्राफ को कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि ज़ीरो माइनस वन से लेके ज़ीरो तक ये डिक्रीजिंग है, तो कर्व जो है क्योंकि ये एसिम्प्टोट्स है तो कर्व इसके साथ साथ ऐसे चला जाएगा, इस साथ साथ ऊपर तक चला जाएगा और डिक्रीजिंग है तो फिर नीचे आ रहा होगा कर्व। और ये कहाँ तक नीचे आएगा तो आपको पता ही है कि ये यहाँ पर जहाँ तक वैल्यू थी वन बाई टू तक इंटरवल था वहाँ तक ये आके अपने कम से कम वैल्यू तक पहुँच जाएगा। लेकिन आपको मालूम है ये कर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल भी था, तो जैसा ऊपर बनेगा वैसे नीचे भी बनाना होगा इसको, तो इसी को देख के हम इसको नीचे की तरफ भी कर्व को ऐसा ही बना देंगे, कर्व नीचे भी ऐसे चला जाएगा। और फिर चूँकि इनके बीच में वन बाई टू और वन के बीच में कोई पोर्शन नहीं है, इसके बाद शुरू होना है और क्योंकि एसिम्प्टोट्स है ये, तो कर्व और डिक्रीज़ कर रहा है यानी ऊपर से कर्व ऐसा आएगा और फिर डिक्रीज़ कराते कराते आप इसको चूँकि एक्सिस एसिम्प्टोट है ध्यान में रखें इस बात को, तो ये एक्सिस के भी साथ में साथ चला जाएगा। और ये भी ध्यान रखेंगे एक्सिस के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल है, तो जैसा ऊपर बनाया है सेम ऐसे इसको नीचे भी बिल्कुल बना दें, बिल्कुल इस ऐसे ही कर्व बनेगा। तो इसको हम दोबारा से बना देते हैं, रफली यहाँ पर बनाया था, पहले से बना हुआ था, तो इसमें हम ध्यान दें कि एक्स एक्सिस है ये और वाई एक्सिस है और एक्स इक्वल टू माइनस वन ये एसिम्प्टोट था, एक्स इक्वल टू माइनस वन एसिम्प्टोट था और एक्स इक्वल टू प्लस वन भी एसिम्प्टोट था और एक्स एक्सिस भी एसिम्प्टोट है, एक्स एक्सिस भी एसिम्प्टोट है और x इजिकल टू वन बाई टू जो है वो आपके लिए एक एसिम्प्टोट तो नहीं है लेकिन आपको पता है ये कर्व का ये इंटरवल है जहाँ पर ये इसमें ये डिक्रीज कर रहा है और यहीं इनके बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था वन बाई टू, ये x इजिकल टू लाइन वन बाई टू और ये वन है इनके बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ नहीं बनाना है, तो ये एसिम्प्टोट्स है और डिक्रीज कर रहा है इनके बीच में माइनस वन, सॉरी ये लाइन जो है गलती से माइनस वन बाई टू लिख दी, वन है माइनस वन से प्लस वन, तो वन ये एसिम्प्टोट नीचे इस तरीके से जाएगा और कहाँ तक जाएगा आपको हमने बता दिया था कि ये माइनस वन एक्स इक्वल टू वन बाई टू तक डिक्रीज़ करेगा, तो यहाँ तक डिक्रीज़ करते लगा दिया। और हम इस वाली लाइन को चेक करें तो ये टेंजेंट भी है एक्स इक्वल टू वन बाई टू कर्व की टेंजेंट है, तो इसको टच करती हुई जाएगी ये, और ये चूँकि कर्व सिमेट्रिकल है एक्सिस के अबाउट, जैसे ऊपर बनेगा एक्सिस के वैसे इसको नीचे भी हमें बनाना होगा, ट्रेस करना होगा। और दूसरा चूँकि इस तरह कोई पोर्शन नहीं, यहाँ से पोर्शन शुरू हुआ और ये लाइन एक्स इक्वल टू वन जो है वो एसिम्प्टोट है और डिक्रीज़ कर रहा फंक्शन, तो डिक्रीज़ कराते हुए इसको ऐसे करके बना देंगे। और चूँकि ये एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल है तो जैसे ऊपर बनेगा वैसे ये नीचे बनेगा, इस तरीके से हमारा कम्प्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाकर दावाना अलहमदिल्ला रबीआलमीन।